हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आज़ाद कट हियर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग एनिमल प्रिंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको तीन तरह के प्रिंट्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो हमारा ये लेपर्ड प्रिंट है जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। उसके बाद हमारा टाइगर प्रिंट आएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि ये स्नेक प्रिंट कैसे हमें ड्रॉ करना है। इस टेक्निक को यूज़ करके आप लोग फिर किसी भी एनिमल की स्किन का प्रिंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेपर्ड प्रिंट से। ये जो पिक्चर है ये लेपर्ड के स्किन टेक्सचर की है कि किस तरह से लेपर्ड की स्किन होती है। इस पिक्चर को देख के हम टेक्सचर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इसका बेस कलर अप्लाई करते हैं। अब इसमें जो बेस कलर है वो थोड़ा क्रीमिश टोन भी दे रहा है, थोड़ा येलोइश टोन भी दे रहा है, थोड़ा ऑरेंज टोन भी दे रहा है। एंड ऐसा कोई कलर नहीं है जिस जो इन तीनों कलर्स को इंक्लूड करता हो और जिसके लिए अलग से कोई नाम बना हो। तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा इसमें कौन सा कलर करूँ जो कि ये बेस कलर को रिजेंबल करे। सो आई एम गोना मिक्स टू कलर्स। स्किन कलर अप्लाई करूँगी और हल्की सी येलो स्टोन देने के लिए लाइट येलो कलर अप्लाई करूँगी। बेस कलर अप्लाई किया है मैंने। सबसे पहले ये स्किन कलर ऐड किया और उसके बाद हल्का हल्का सा ये येलो ऑरेंज सा कलर अप्लाई किया है मैंने इसका बेस कलर बनाने के लिए। अब इसके ऊपर वाटर अप्लाई करेंगे और उसको सूखने देंगे। बीच में अगर कहीं लाइट और डार्क हो रहा है तो उसको ऐसे ही रहने देंगे उस प्रिंट को एक नेचुरल लुक देने के लिए, क्योंकि एनिमल्स की अगर हम स्किन देखें तो उसका टेक्सचर भी कुछ इस तरह से ही होता है, कहीं पर लाइट तो कहीं पर डार्क। तो इसको हम एज इट इज़ ही रहने देंगे, कहीं पर लाइट और कहीं पर डार्क। कलर ड्राई हो गया है, अब हमें ये पैचेस बनाने हैं इसके ऊपर ऑरेंज कलर के। कुछ पैचेस ऑरेंज कलर के हैं और कुछ ब्लैक कलर के भी हैं। पहले हम ऑरेंज कलर के पैचेस बनाएंगे, ब्लैक कलर के पैचेस हम बाद में पेन से बना लेंगे। तो ऑरेंज पेंसिल कलर के हेल्प से हम ये ऑरेंज पैचेस बनाएंगे। अब हम इन पैचेस के ऊपर भी वाटर अप्लाई करेंगे ताकि इनके ऊपर हमारा पेन इजीली वर्क कर सके बाद में। कलर को ड्राई होने देते हैं ब्लैक जेल पेन से। ये जो ब्लैक छोटे छोटे पैचेस बने हुए हैं ये पैचेस ड्रॉ करेंगे हम, और ये जो ऑरेंज पैचेस के अराउंड एक बाउंड्री सी बन रखी है ब्लैक कलर की, ये सर्कल्स टाइप, ये हम इधर ड्रॉ करेंगे ऑरेंज पैचेस के अराउंड। ये जो हमने पैचेस बनाए थे ऑरेंज कलर के, इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा लेपर्ड प्रिंट। नेक्स्ट बनाते हैं हम ये टाइगर प्रिंट।
इसमें जो बेस कलर है ये ऑरेंज है, कहीं पे लाइट हो रखा है, कहीं पे डार्क हो रखा है। तो यहाँ पर हम ऑरेंज कलर अप्लाई करते हैं, इसी तरह से करेंगे कहीं पे लाइट, कहीं पे डार्क। प्रॉपर ऑरेंजिश टच देने के लिए मैंने इसमें दो कलर्स अप्लाई किए हैं। पहला थोड़ा डार्क वाला ऑरेंज था, ये थोड़ा सा लाइट है। अब हम इस पे वाटर अप्लाई करेंगे और उसको सूखने देंगे। बेस कलर ड्राई हो गया है, अब हमें ये स्ट्राइप्स बनानी है बेस कलर के ऊपर। टाइगर की स्किन में यूजुअली जो स्ट्राइप्स होती हैं वो डार्क ब्राउन से लेकर ब्लैक कलर की होती हैं, तो हम ब्लैक जेल पेन से ये स्ट्राइप्स बनाते हैं यहाँ पर। मैंने पेन से स्ट्राइप्स बना के बीच में ब्लैक स्केच पेन से उसमें काला फिल कर दिया ताकि जो प्रिंट है वो जल्दी क्रिएट हो जाए। अब कहीं कहीं पे अगर हमें थोड़ा डार्क करना है कलर को तो हम ऑरेंज कलर अप्लाई करके उसको डार्क कर लेंगे, अगर हमें ऐसा लगता है कि कहीं कहीं से ये लाइट हो रहा है और हमें डार्क कलर उसमें ऐड करना है। सो ये था हमारा टाइगर प्रिंट। अब हम नेक्स्ट प्रिंट बनाते हैं जो कि है हमारा ये स्नेक प्रिंट। स्नेक्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं और उनका स्किन कलर भी डिफरेंट होता है, तो आप कलर अपनी चॉइस का सिलेक्ट कर सकते हैं। पैटर्न हम यही बनाएंगे, कलर आप अपना चूज़ कर लेंगे, आपने जो भी करना है। मैं सेम कलर ही करूँगी जो इस पिक्चर में हो रखा है, दैट इज़ दी लाइट ग्रे। तो सबसे पहले हम बेस कलर ऐड कर लेंगे। मैंने एक कलर के ऊपर वाटर भी अप्लाई कर दिया, अब हम इसको ड्राई होने देंगे। उसके बाद ये जो पैटर्न है वो ड्रॉ करेंगे। इस पैटर्न में हम देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे बड़े बड़े स्केल्स हैं और कहीं कहीं पे ये छोटे छोटे से स्केल्स हैं। ये जो तीन लाइंस हैं इसमें बड़े बड़े स्केल्स हैं ये, और बाकी के एरिया में छोटे छोटे से ही स्केल्स हैं। तो ये सेम पैटर्न हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। हमारा स्नेक प्रिंट भी कंप्लीट हो गया है और आपने देखा कि कितना इजी था ये सारे प्रिंट्स क्रिएट करना। इसी टेक्निक को यूज़ करके आप लोग किसी भी एनिमल स्किन का प्रिंट क्रिएट कर सकते हैं। मेथड यही रहेगा, बस जिस एनिमल का आपने प्रिंट क्रिएट करना है आप एक बार उसकी स्किन की पिक्चर देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उसकी स्किन दिखने में कैसी है, और उस पिक्चर को देख के आप वैसा सेम का सेम प्रिंट बना लेंगे। और ये प्रिंट्स जब आप अपनी इलस्ट्रेशन में ड्रॉ करेंगे तो उसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पे मैंने टाइगर प्रिंट बनाया है और इस इलस्ट्रेशन में मैंने स्नेक प्रिंट क्रिएट किया है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जब आप ये जो प्रिंट्स हैं जब आप उनको इलास्ट्रेशन में ऐड करेंगे तो उसकी लुक इस तरह से आएगी। बीच में मैंने कहीं कहीं पे फोल्ड्स शो किए हैं, तो आप लोग भी इस तरह से अपनी इलास्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। और मेरे साथ अपनी इलास्ट्रेशन ज़रूर शेयर कीजिए,
मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है विद नेम आज़ाद कट्योर, जिसका लिंक मैंने बायो में डाल दिया है। और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।